हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। चलिए उसको बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस तरह से एक शीट ले ली है। आप कार्डबोर्ड कट कर सकते हो, उसके ऊपर इस तरह से चार्ट पेपर लगा दिया है और अभी ये वाली लेस ली है। और इसे हमें क्या करना है, इसे ऊपर की तरफ करके इसे इस तरह से चारों तरफ लगाना है। किसकी तरह, मैं इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगा रही हूँ, आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। से मैंने इसे लगा दिया है और अभी हमें इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर से कट कर लेना है और इसे हमें इस तरह से चारों तरफ लगा लेना है। इसी तरह से अब हम इसकी फोर साइड को भी पे भी इस तरह से लेस लगा लेते हैं। इस तरह से लगा देना है, उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कर लेना है। एक काम करते हैं, थोड़ा चिपक नहीं रही है, इस तरह से अभी इस लेस के ऊपर ही थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं। और अभी इसे इस तरह से इसे पीछे की तरफ चिपका लेना है और उसके बाद अभी ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अभी हमारे पास सरस्वती माता की जो फोटो है उसे इस तरह से हम बीच में चिपकाएंगे। इसी ग्लू की हेल्प से हम लगा सकते हैं। इससे ये खत्म हो चुके हैं। अभी इस तरह से
और अभी क्या करेंगे, ये वाले जो स्टोन्स हैं आपको दिख रहे होंगे, इन्हें क्या करना है, अभी क्या कर रही हूँ मैं, ये वाले मिरर ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अभी हमें मिरर को क्या करना है, माता रानी के ताज पे इन्हें इस तरह से चारों तरफ लगाना है। पहले मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, बाद में चिपकाऊंगी। इस तरह से इन्हें चिपका लेना है और उसके बाद चलिए अभी मैं पहले प्लेस कर देती हूँ। एक कर लिया है और अभी क्या करना है, वाइट कलर लेना है और एक ब्रश, और उसके बैक साइड पे इस तरह से वाइट कलर लगाना है, और ये जो मिरर लगाए हैं इनके इस तरह से बीच में इस तरह से तीन बिंदी रखनी है, शायद आपको दिख रही होंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। इस तरह से ठीक, और अभी ये छोटे वाले स्टोन्स होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाले हमें लेने हैं और क्या करना है, ग्लू लेना है। पहले इन्हें मैं इधर रख लेती हूँ। क्या करना है, ये ग्लू लेना है और इसे इस तरह से चारों तरफ लगा देना है। एलिमिनेटर बोल जाएगा जल्दी। और ये वाले स्टोन को इधर प्लेस करना है। इन्हें हम किस चीज की हेल्प से कर सकते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको।
ये वाला जो होता है पकड़ने का, इससे क्या करना है, इन्हें उठाना है इस तरह से। मैं नहीं कर पा रही, शायद आप लोग कर सकते हो इसे, और इसे इस तरह से और इस तरह से चारों तरफ अभी हमें कर लेना है। और अभी मैं सब लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। और अभी मैंने इधर भी स्टोन लगा लिए हैं और मुकुट में इस साइड, और अभी हम दूसरी वाली साइड लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले इस तरह से फेविकॉल थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे, और अभी चिमटी की हेल्प से इस तरह से स्टोन उठाएंगे और प्लेस करते जाएंगे एक एक। ये स्टोन्स आप किसी कितनी भी मात्रा में जहाँ पे आप चाहें वहाँ लगा सकते हो। और ये 5 रुपये का एक पैकेट आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसी तरह से हमें सभी लगा लेने हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ नीचे की साइड लगाऊंगी, लेकिन अभी मैंने मुकुट पे भी लगा दिया है और मैं इसके इस साइड भी और इस साइड सभी में लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं स्टोन्स पूरे लग चुके हैं और कितना सुंदर दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, स्केच कलर लेने हैं और इसे डेकोरेट करना है। और मेरे पास, मैं आपको बता देती हूँ अभी मैं इसे किस कलर से इन्हेंस करने वाली हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, ये मैंने रेड कलर से फूल बनानी है इसके ऊपर। अभी हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है इस पर इन कर देंगे। और अभी मैंने स्केच कलर से कुछ एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है। इसी तरह से मैं इसे पूरे पे डिज़ाइन करती हूँ इन्हीं कलर्स की हेल्प से। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी मैंने स्केच कलर से इसके ऊपर डिज़ाइन कर दिए हैं और आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। इतने सिंपल तरीके से आप ये DIY बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।